हम इंडियंस भी ना कमाल के होते हैं, फिर वो चाहे इंडियन फूड हो, इंडियन फेस्टिवल हो या फिर इंडियन कंजूसी। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, इंडियन कंजूसी। चीज़ों को सही तरीके से और पूरा इस्तेमाल करने में हमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। क्या कहा, नहीं समझे? तो चलिए आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, फिर आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। ब्रश कितना पुराना हो गया है, चेंज कर लेती हूँ। वैसे आई थिंक इतना भी पुराना नहीं हुआ है, अभी से 2-3 हफ्ते तो आराम से ब्रश कर सकती हूँ। और वैसे भी ब्रश जितना पुराना हो जाए उतना ही सॉफ्ट और यूज्ड हो जाता है आपके दांतों के लिए। तो बेटा अभी तो 2-3 हफ्ते मेरे और काम आएगा। ओह माय गॉड, टेस्ट भी फिनिश हो गया। आई थिंक इसमें काफी टेस्ट है। 2-3 बार तो ब्रशिंग कर ही सकती हूँ। आजा आजा, इतनी आसानी से निचोड़ूंगी बेटा, पूरा का पूरा तुझे निचोड़ डालूंगी। आजा रे, आजा 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 आजा। अरे थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। आजा यार, कम से कम आज के तो काम आजा। अरे क्या करेगा अंदर बैठ के, आजा मेरे काम आजा। फाइनली मेरा एक और दिन का काम चल गया। तो देखा आपने, ये वो इंडियंस होते हैं जिनका टूथब्रश जब तक सूरजमुखी का मुरझाया हुआ फूल ना बन जाए, और इनका टूथपेस्ट जब तक अपने जान की भीख ना मांगे कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, ये उनका पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, अभी आगे आपको बहुत कुछ देखना है। मुझे पता है तू अंदर छुप के बैठी है बट बाहर आना नहीं चाहती है ना। आजा, आइडिया, जब घी सीधी उंगली से निकलता ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मैंने कहा था ना कि तू अंदर छुप के बैठी है और बाहर आना नहीं चाहती है। और ये थे जुगाड़ू टाइप के इंडियंस, जो बाल की खाल निकालने का कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। ओ, मेरा सॉक्स फट गया, लेकिन इसी को पहनती हूँ यार, क्या फर्क पड़ता है, शूज के अंदर कौन देख रहा है। वैसे भी दिखावे का जमाना है, हर कोई बाहर के चमक धमक वाले शूज देखेंगे, अंदर के फटे हुए सॉक्स कौन देखेगा। आई थिंक फटे हुए सॉक्स पहनने में कोई बुराई नहीं है। तो अंजलि कम ऑन, गेट रेडी। ये होते हैं काम चलाने वाले इंडियंस। चीजों से कैसे काम चलाना है इनसे बेहतर कौन जान सकता है भला। ठंडे ठंडे पानी से, अरे शैम्पू भी फिनिश हो गया, अब मैं हेयर कैसे वॉश कर लूं। आइडिया, इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेती हूँ, पानी मिला के कम से कम आज का काम तो चल ही जाएगा। वाह, ये तो बहुत सारा शैम्पू हो गया, इससे मेरा आज का नहीं बल्कि 2-3 बार में अपनी हेयर वॉश कर सकती हूँ। और भाई ये है पानी मिलाओ इंडियंस, ये हर चीज में पानी मिलाते हैं, चाहे वो दूध की थैली हो या फिर सॉस की बॉटल, इन्हें क्या फर्क पड़ता है। ओ, इनके अंदर में कितने होल्स हो गए हैं, फेंक देती हूँ। वैसे भी इतने भी होल्स नहीं है, सिर्फ 2-3 ही होल्स तो हैं। आई थिंक अभी 2-3 महीने और काम चला लेंगे। और वैसे भी अंदर झांक के कौन देख रहा है, और होल्स होने से ना एयर भी आसपास होती रहती है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है।
रख देती हूँ और उसके बाद ना इसे स्कूटी साफ करने के लिए अपनी स्कूटी में रखूंगी। जब भी स्कूटी में कोई अच्छा कपड़ा रखो, कोई ना कोई चोरी करके ले जाता है। आई एम श्योर इस अंडरवेयर को कोई चोरी नहीं करेगा। व्हाट अ ब्रेन अंजलि। हाय गाइस, दिस इज अंजलि एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एंड माय हस्बैंड डेफिनेटली विल किल मी, स्पेशली वो ये लास्ट वाला सेक्शन देख के, अंडरवेयर वाला। हस्बैंड सॉरी, एंड मैंने डेफिनेटली सिर्फ आप लोगों के लिए इतना रिस्क लिया है और आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप लोग भी इस वीडियो से एग्री हैं कि हम इंडियंस ऐसे ही होते हैं, हर चीजों को यू नो बिल्कुल निचोड़ लेते हैं, लास्ट तक उसका फुल यूज करते हैं, पैसा वसूल कर लेते हैं, और आई एम श्योर आपने भी लाइफ में ऐसा बहुत बार किया होगा, तो अगर आपने भी ऐसा कुछ किया है तो प्लीज कमेंट करिए। और अगर इससे बढ़ के भी कुछ किया है जो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ तो वो भी प्लीज कमेंट करिए। और हमेशा बोलती हूँ यार, प्लीज कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को और लाइक कर दो अगर ये वीडियो पसंद आया है। जल्दी मिलूंगी और भी नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय।